ब्रिलियंट बेन सब्सक्राइबर्स, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द कमिंग वीडियोस। वी आर कवरिंग चैप्टर क्लास 10 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल साइंस, लोकतंत्र के परिणाम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए एंड काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियोस टू योर फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कंप्लेंट्स ट्रीटेड एज टेस्टिमनी, कि जो शिकायतें आती हैं डेमोक्रेसी के अपोजिशन में अगर लोगों से डिस्कस किया जाए तो कई मुद्दे, जैसे कि हमने इकोनॉमिक लेवल पे देखा, शिकायतें करते हैं लोग, कंप्लेंट्स होती है उनकी बहुत सारी, तो ये कंप्लेंट्स ही उसके लिए टेस्टिमनी है, साक्ष्य है कि डेमोक्रेसी काम कर रही है। जितनी ज्यादा कंप्लेंट्स उभर कर आएंगी, इसका मतलब होता है कि उतना ही ज्यादा वो डेमोक्रेसी से क्या चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो काम कर रही है, उसको और अच्छे से काम करना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या उभरता है, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, कि जो उम्मीदें हैं बढ़ती हैं डेमोक्रेसी के लिए लोगों की, सिटीजन्स की, वो एक क्राइटेरिया है फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी भी लोकतांत्रिक देश को जज करने का कि वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसको आप एक्सप्लेन कीजिए, किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। न्यू टेस्ट एवरीडे इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, कि हर कदम पर अगर डेमोक्रेसी को चैलेंज मिल रहा है कि ये इश्यू है सोसाइटी का, इसे दूर करना है, इट मीन्स कि वो डेमोक्रेसी काम कर रही है, जो गवर्नमेंट आई हुई है पावर में वो काम कर रही है, इसीलिए उससे क्या की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि ये शॉर्ट आउट हो गया मुद्दा, अब दूसरा तैयार है, इसको आप हल कीजिए। सेकेंड क्या कहते हैं, एज डेमोक्रेसी पासिस वन टेस्ट इट प्रोड्यूसिस अनदर टेस्ट, द मोस्ट पॉजिटिव फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल वॉन्ट टू मेक डेमोक्रेसी बेटर एट एवरी स्टेज, द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे ही डेमोक्रेसी ने एक टेस्ट को पास किया, एक इशू को सॉर्ट आउट किया, दूसरा इशू उसके लिए रेडी रहता है, इससे क्या शो हुआ कि डेमोक्रेसी क्या कर रही है, काम कर रही है। अब पब्लिक क्यों एक इशू के सॉर्ट आउट होते ही दूसरे इशू को लेकर आती है, इसलिए लेकर आती है कि वो हर कदम पर हर वे में बेटर प्रूव हो। क्यों प्रूव हो, आप कंट्रीज की अगर बात करें तो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, डिक्टेटरशिप भी होती है, मोनार्की भी होती है, मिलिट्री भी होती है, तो डेमोक्रेसी क्या करती है, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती है, इसलिए लोग भी हर स्टेप पर कुछ ना कुछ आगे लेके रखते हैं मुद्दा कि अब ये हल होना चाहिए। अगर एक गवर्नमेंट जो कि प्रेजेंटली रूलिंग पे है उसको शॉर्ट आउट नहीं कर पा रही है तो वो नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे, वो करेगी उसको पूरा, ठीक है। तो अगर ऐसा भी नहीं होता है तो एक नया ग्रुप उभर कर सामने आता है, नई पॉलिटिकल पार्टी उभर कर सामने आती है जो दावा करती है कि हम ये काम करेंगे। डेमोक्रेसी हैज प्रोवाइडेड द पीपल अ चांस टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स एंड द हाई एंड द माइटी, अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद डेमोक्रेसी शोज दैट सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ सिटीजन्स। क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी हैज प्रोवाइडेड द पीपल अ चांस, डेमोक्रेसी ने लोगों को चांस दिया है, एक मौका दिया है कि डेमोक्रेसी अलग अलग सिटीजन्स को किस तरीके से लेकर चल रही है। मान लो हम यहाँ बात कर लेते हैं ऑटोक्रेसी की, ऑटोक्रेसी पूंजीपति जो लोग हैं, जो अल्ट्रा रिच पीपल हैं, सिर्फ उन्हीं की तरफ गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, डेमोक्रेसी ध्यान दे रही है, तो लोगों को क्या राइट दिया हुआ है कि आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, अपने हक के लिए आप आवाज उठा सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी नहीं सुनेगी वो पावर जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पार्टी पावर में है, अगर वो नहीं सुनेगी तो वो क्या करेंगे, बाय इलेक्शन कराएंगे, मूवमेंट्स करेंगे, हड़ताल करेंगे, लेकिन वो भी पीसफुल रहेंगे, दंगे फसाद की परमिशन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं दी जाती है। अब जब ऐसा होगा तो वो सिटीजन्स जो पब्लिक है वो सिटीजन के रूप में उभर कर सामने आती है, ना कि सब्जेक्ट्स के रूप में। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्रजा, प्रजा मींस एक राजा के कहीं का राजा है और वहां के रहने वाले सारे रेजिडेंट्स उसकी क्या कहलाती है, प्रजा कहलाती है। और राजा क्या होता है, मोनार्की सिस्टम होता है, जो डिसीजन राजा ले लेगा उस प्रजा को वो फॉलो करना पड़ता है विलिंगली और अनविलिंगली। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होता है, सब्जेक्ट्स किस में चेंज हो जाते हैं, सिटीजन्स में चेंज हो जाते हैं, जो पार्टी सेंटर के अंदर रूलिंग में है और जो सिटीजन्स हैं उस कंट्री के वो उसके सब्जेक्ट्स नहीं होते, उसकी प्रजा नहीं होती, दे आर सिटीजन, वो नागरिक होते हैं, दे आर हैविंग राइट टू रेज
वॉइस अगेंस्ट एनी इनजस्टिस और अनइक्वेलिटी, उनको पूरा पूरा हक होता है। अब क्या कहते हैं, मोस्ट इंडिविजुअल्स टूडे बिलीव दैट देयर वोट्स मेक अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। जब डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी, लोगों को वोट डालने का राइट मिला, वो इतने अवेयर नहीं थे उस टाइम पे कि उनकी जो वोट है इसके अंदर कितनी पावर है। आज के टाइम में अगर आप एक इकोनॉमिकली जो लो स्टेट ऑफ द सोसाइटी और अनएजुकेटेड है, जो सिर्फ हैंड टू माउथ तक जीने के लिए रहता है कि हाँ कमाया और खाया, बस दो टाइम का खाना मिल रहा, उनको छोड़कर जो लोग अपने सोशल स्टेटस के प्रति अवेयर हैं, इकोनॉमिक स्टेटस के प्रति अवेयर हैं, अगर उनसे बात की जाए तो पता चलेगा कि उनको अपनी वोट की वैल्यू पता है। उनको पता है कि अगर सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उनको किसी को कहने और सुनने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इलेक्शंस में वो उस वोट का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी पार्टी को रूलिंग के अंदर लेकर आ सकते हैं। और उन्हें यह भी पता होता है कि आज के टाइम में कौन पार्टी उनके पक्ष में है, कौन पार्टी उनके बेसिक एमिनिटीज के ऊपर काम कर रही है, कौन उनके एस्पिरेशंस पे खरा उतर रही है, और उसी पार्टी को वोट देके रूलिंग के अंदर ले आते हैं। तो दे कैन ब्रिंग डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन, उस तरीके में बदलाव ला सकते हैं वो अपने वोट के थ्रू। क्यों, कैसे ला सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट को उनके लिए काम नहीं कर रही है, नेक्स्ट टाइम वो क्या हो जाएगी, रिन हो जाएगी, मीन्स हार जाएगी, लूज कर जाएगी, तो जिसकी वजह से वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी, दूसरी पार्टी रूलिंग में आ जाएगी। तो हर पार्टी इस चक्कर में क्या करती है, अच्छे से अच्छा करने का काम करती है। दिस इज ऑल अबाउट योर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हर एस्पेक्ट से आपने देखा कि क्या है परिणाम डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के, कि ये एक वैध सरकार होती है, उत्तरदायी सरकार होती है और जिम्मेदार सरकार होती है। इकोनॉमिक लेवल पे आप इसको थोड़ा सा ये लैग करती है, बट ये नहीं कह सकते कि सही फॉर्म नहीं है। अकोमोडेशंस को तय करने की कोशिश करती है, ये शॉर्ट आउट करती है डाइवर्सिटीज को, विभिन्नताओं को, मुद्दों को, और जो क्वेश्चंस या एक्सपेक्टेशंस जितनी लोगों की डेमोक्रेसी से बढ़ती है, उतना ही ये प्रूव होता है कि डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कम्प्लीट हो जाता है और आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी कम्प्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, यू कैन फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग।